हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में हरी मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए इसकी सामग्री देख लेते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च ली है। लगभग मैंने लिया है 150 ग्राम के करीब। ये मैंने छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। ये मैंने लहसुन लिए है लगभग 200 ग्राम के करीब है, जिन्हें मैंने छील लिया है। आधा नींबू, नींबू हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना खट्टा आपको चाहिए। और ये मैंने हरी मिर्च ली है, जिन्हें मैंने लंबा लंबा कट किया है। इन्हें अभी हम और कट करेंगे। ये देखिए, ऐसे 20 से पहले कट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम चार हिस्सों में कर लेंगे मिर्च को। ये देखिए, ये करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं तो मत करें। ये देखिए, ऐसे ही हम अदरक को भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी अदरक करेंगे, पूरी नहीं करेंगे। वैसे ही हम कुछ मिर्च को कट कर लेंगे और बाकी मिर्च ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए, ऐसे लंबे लंबे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम अदरक को भी कट कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे इस अचार में डालने के लिए मसाला। ये देखिए, ये है अचार का मसाला और ये है हल्दी पाउडर और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये मैंने लिया है व्हाइट विनेगर, क्योंकि मेरे पास ब्लैक वाला विनेगर खत्म हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट विनेगर लिया है। आपके पास जो विनेगर हो आप वो ले सकते हैं। और साथ में लेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए, मैंने मस्टर्ड ऑयल को कढ़ाई में डाल करके गैस पर चढ़ा दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके। हमें ऑयल को इतना गर्म करना है कि जब तक ऑयल से धुआं ना निकलने लगे। जब ऑयल से धुआं निकलने लगेगा तब हम गैस को ऑफ कर देंगे, यानी हमें ऑयल को पका लेना है और उसके बाद उसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही हम उसको अचार में यूज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल से धुआं निकलने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ऑयल को ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ऑयल ठंडा हो रहा है, चलिए हम अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के लिए ये सारी सामग्री हम मिक्सी के जार में डालेंगे। और या तो आपके पास ऐसा चॉपर हो तो आप उससे भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन हम इस अचार को आज मिक्सी में बनाएंगे और इस अचार को हम मिक्सी में क्रश करेंगे, पीसेंगे नहीं। तो चलिए ये सारी सामग्री मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। ये देखिए, हरी मिर्च हमने डाल ली है, अदरक डाल लेंगे, लहसुन की कलियां डाल लेंगे, ये देखिए, ये जो हमने कट किया है इसको हम मिक्सी के जार में नहीं डालेंगे। अब हम जार को बंद कर देते हैं। ये देखिए, हम चलाएंगे फिर रोकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अचार को क्रश कर लिया है। ये देखिए, इसी तरह हमें करना है, बहुत महीन नहीं करना है, हल्का हल्का क्रश करना है केवल। मुश्किल से दो बार ही आप मिक्सी को ऑन ऑफ करिएगा। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें जो हमने कट की थी मिर्चियां, चॉप की थी अदरक और मिर्ची, उसे भी डाल देंगे इसी में और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और ये मैंने लिया है भरवा मसाला।
भरवा मसाले का वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये भरवा मसाला। यहाँ पर मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच भरवा मसाला ऐड किया है। मैंने इस अचार में राई नहीं यूज की है, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी राई डाल सकते हैं, पर हम यहाँ राई नहीं यूज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सभी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें विनेगर डालेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे। विनेगर हम अचार में इसलिए डालते हैं ताकि अचार हमारा लंबे समय तक चल सके, यानी विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार को जल्दी खराब नहीं होने देता। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, यानी मैं यहाँ पे आधा लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी नींबू का रस, ये देखिए। और अब हम इन्हें भी मिक्स कर देंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए, ये मस्टर्ड ऑयल है जिसे मैंने गरम किया था, अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इस ऑयल को इस अचार में डालेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं, अगर कम होगा तो थोड़ा ऑयल हम और डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल अभी हम और डालेंगे। ऑयल मिक्स करने के बाद अब ये अचार बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक एयर टाइट बॉटल में बंद करके रख देंगे। ये अचार जो है आप तुरंत बनाइए और तुरंत यूज कीजिए। मैंने यहाँ पे सेजवान चटनी की बॉटल मेरे पास थी जो खाली हो गई है, मैंने उसे वॉश कर लिया है, ये देखिए। अब हम इस बॉटल में अचार को रखेंगे, लेकिन इस बॉटल में अचार को रखने से पहले जो मैंने ऑयल गरम किया था वो इस बॉटल में डाल देंगे और बॉटल को चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद ही हम इस बॉटल में अचार डालेंगे, और अचार डालने के बाद लगभग 2 टेबल स्पून अचार के हिसाब से इसमें ऊपर से यही जो मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम किया था 2 टेबल स्पून ऊपर से डाल देंगे और बॉटल को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अचार बनकर रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी अचार है। एक बार अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये अचार कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये मिर्ची के अचार की रेसिपी पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।